नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन के बेस वेरिएंट मिलिट्री और दी स्टैंडर्ड के बीच, जो कि सबका चहेता मॉडल है। दोनों में तकरीबन 25,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोनों में क्या क्या फर्क है, आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए, क्या अभी लेटेस्ट इसका प्राइस चल रहा है, क्या ऑफर चल रही है और दोनों में क्या फर्क है। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कैंत, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देसी राइडिंग व्हील्स। तो स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हो दोनों ही मॉडल यहां पे मेरे पास खड़े हैं। ये है बेस वेरिएंट मिलिट्री, ये है दोस्तों दी स्टैंडर्ड, जो सबका चहेता मॉडल है। ये पहले भी आपको देखने को मिलता था और अभी कंपनी ने इसको अपग्रेड किया है। तो दोनों में सबसे पहले अगर मैं कलर्स की बात करूं तो मिलिट्री के अंदर आपको दो कलर देखने को मिलते हैं, मिलिट्री ब्लैक और मिलिट्री रेड। और यहाँ पे दोस्तों जो दी स्टैंडर्ड है इसमें भी दो कलर देखने को मिलते हैं, दी स्टैंडर्ड ब्लैक और दी स्टैंडर्ड मैरून कलर। दोनों में तकरीबन दोस्तों 25,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। सबसे पहले हम अगर प्राइस की बात करें तो मिलिट्री जो है इसका एक्शोरूम प्राइस है लुधियाना के अंदर 1,73,562 रुपये और दोस्तों ऑन रोड पड़ता है तकरीबन 2,02,500 रुपये। और अगर मैं बात करूं यहां पे दी स्टैंडर्ड की तो इसका एक्शोरूम प्राइस है लुधियाना के अंदर 1,97,436 रुपये और दोस्तों ऑन रोड पड़ता है लगभग 2,28,500 रुपये। दोस्तों तो तकरीबन 25,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आप लगा सकते हो, दोनों में है 25 से 26,000 रुपये का। और दोनों में आपको कंपनी एक एक हेलमेट फ्री दे रही है, एक साल का रोड साइड असिस्टेंस दे रही है, 3 साल 30,000 किलोमीटर की वारंटी कंपनी साथ में दे रही है और दोस्तों 4 सर्विसेज की लेबर आपको साथ में फ्री मिल रही है। दोस्तों ये जो प्राइजेज है दोस्तों विदाउट असेसरीज प्राइजेज है, कोई भी असेसरीज है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जैसे स्टैंडर्ड असेसरीज जैसे इसमें लगी हुई, जैसे मिरर है या साइड स्टैंड है, ये इंक्लूडेड मिलेगा। जैसे बाइक यहाँ पे खड़ी है आपको ऐसे मिलेगी, जैसे इसमें क्रैश गार्ड लगा हुआ है, लेग गार्ड लगा हुआ है, इसके पैसे जो है वो एक्स्ट्रा है। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कि दोनों में क्या फ़र्क है, 27,000 रुपये का या 25,000 रुपये का फ़र्क क्यों है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों मिलिट्री की तो ये बाइक आपको सिंगल चैनल ABS में मिलती है। इसमें जो स्पोक है ये आपको ब्लैक कलर के अंदर मिलेंगे, ट्यूब टैप टायर मिलेंगे, 190 का फ्रंट टायर मिलेगा 19 इंचेस का। इसकी जो ब्रेक है फ्रंट वाली ये आपको 300 mm की मिलेगी। बाइक आपको सिंगल चैनल में मिलेगा लेकिन वाइब्री के कैलिपर आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बात करूँ दी स्टैंडर्ड की तो ये बाइक आपको ड्यूल चैनल ABS के अंदर देखने को मिलेगा। इसमें जो स्पोक है ये आपको क्रोम के अंदर मिलेंगे। टायर साइज सेम है, 190 का 19 इंचेस का फ्रंट वाला ट्यूब टाइप टायर है। इसमें भी आपको फ्रंट में 300 mm की ब्रेक मिलेगी वाइब्री के कैलिपर के साथ। तो स्पोक का फर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्रंट टायर के अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पे क्रोम यहाँ पे ब्लैक। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो दोनों में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे, रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, मडगार्ड आपको सेम मिलेगा लेकिन दोस्तों मेटल का ही मडगार्ड है लेकिन पेंट में काफ़ी फ़र्क है। ये देखिए ये पेंट है, ये प्योर ब्लैक कलर के अंदर मिल रहा है। ये आपको देखिए स्पार्कल वाला यहाँ पे पेंट है। इसकी पेंट क्वालिटी जो है वो एज़ कम्पेयर टू मिलिट्री मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है। वो आप जब लाइव देखोगे बाइक को तो आपको वो फील आएगा कि वाकई में यार पेंट क्वालिटी काफ़ी इन्हांस है बुलेट 350 स्टैंडर्ड के अंदर। हेडलाइट आपको दोनों में सेम मिलेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो हैलोजन बल्ब टाइप हेडलाइट है। रिंग आपको सेम मिलेंगे दोनों में क्रोम के अंदर, पायलट लैंप आपको सेम मिल जाएंगे, बल्ब टाइप आप देख सकते हो दोनों बाइक के अंदर। इंडिकेटर भी आपको सेम मिलेंगे, क्रोम के अंदर इंडिकेटर है, फ्रंट ग्लास आपको ऑरेंज का मिलेगा, बल्ब टाइप इंडिकेटर है। मिरर में आपको यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्रोम के मिरर मिल रहे हैं जो दी स्टैंडर्ड है फ्याम के, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के मिरर देखने को मिलेंगे। वैसे फ्याम के ये मेटल के अंदर ही है। ये भी हैंडल बार आपको दोनों में सेम मिलने वाला है, आप देख सकते हो कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पे क्रोम का हैंडल बार मिलेगा। स्विचेस की बात करूँ तो वो भी आपको सेम मिलेंगे, यहाँ पे रोटरी स्विचेस हैं जिसमें आपको हॉर्न का स्विच, इंडिकेटर स्विच, हाई बीम लो बीम पास, आई बटन मिल रहा है और यहाँ पे USB पोर्ट है फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए, इंजन किल का, इंजन स्टार्ट का बटन और हज़ार्ड का बटन इसमें भी सेम है। यहाँ पे एक छोटा सा फर्क है, यहाँ पे जो इसके एंड वेट है ये आपको क्रोम के अंदर मिलेंगे, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के अंदर मिलेंगे। मीटर की बात करूँ तो दोनों में आपको सेम डिजी एनालॉग मीटर मिलेगा, आप देख सकते हो सेम की मिलेगी।
यहाँ पे 160 तक की स्पीड मिलेगी, न्यूट्रल इंडिकेशन, बैटरी, ABS, इंजन मैलफंक्शन, रिजर्व की इंडिकेशन और डिजिटल मीटर के अंदर फ्यूल इंडिकेशन, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ और इको मोड की इंडिकेशन मिलेगी और नेविगेशन के लिए यहाँ पे स्लॉट मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जो ट्रिपल नेविगेशन है आप ऑनलाइन लगवा सकते हो MIY ऐप के थ्रू, 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है दोस्तों, जो मिलिट्री है इसमें आप नेविगेशन नहीं लगवा सकते, इसमें कंपनी ने ऑप्शन नहीं दी, सिर्फ स्टैंडर्ड के अंदर आप नेविगेशन जो है वो ऑनलाइन MIY ऐप के थ्रू लगवा सकते हो। और जो एक टॉप एंड वेरियंट आता है ब्लैक गोल्ड, उसमें लगवा सकते हो, मिलिट्री में कंपनी ने ऑप्शन नहीं दी। दोनों बाइक में आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा और यहाँ पे मेन जो खेल है प्राइस का यहाँ पे शुरू होता है। जो मिलिट्री है ये आपको ब्लैक प्लेन कलर के अंदर आपको जो है फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा और इसमें जो लोगो हैं मिलेंगे आपको 3D के अंदर, वाइट कलर के अंदर मिलेंगे आपको, सिंपल लोगो है, क्रोम का ही आपको यहाँ पे कैप मिल रहा है और यहाँ पे E20 की बैजिंग मिलेगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड की तो इसका फ्यूल टैंक बहुत स्टाइलिश है, प्योर आपको रेट्रो वाइब देगा, हैंड पेंटेड स्ट्राइप्स मिल जाएंगी, पिन स्ट्राइप जिसको हम बोलते हैं, ये हाथ के साथ बनती हैं, ये आइकॉनिक लाइंस हैं, 1932 से लेके अभी तक ऐसे ही आपको लाइंस जो है वो देखने को मिलती हैं। और जो लोगो है दोस्तों इसका आप देख सकते हो यार कितनी प्रीमियम वाइब दे रहा है, कितनी प्रीमियम फील दे रहा है। यहाँ पे देखो डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है देखने में जो इसके है, लेकिन ये दोस्तों काफ़ी प्रीमियम लोगो है जिसमें आपको रॉयल एनफील्ड रेड कलर के अंदर लिखा हुआ मिल जाता है, बैकग्राउंड गोल्डन कलर के अंदर है, बाकी आपको आउटिंग जो है वो क्रोम के अंदर मिल रही है, बाकी सेम आपको E20 की बैजिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी और सीट आपको दोनों में सेम मिलेगी, सिंगल सीट के अंदर आपको बाइक मिलेगा और कुशनिंग पहले से काफ़ी अच्छी कर दी है, दोनों में सेम है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे रेयर ग्रैब रेल भी सेम मिलेगी दोनों में, रेयर मडगार्ड भी आपको सेम मिलेगा मेटल के अंदर ही, यहाँ पे रेयर टेल लाइट भी आपको सेम मिलेगी, बल्ब टाइप आप देख सकते हो राउंड शेप के अंदर। रेड टायर की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको रेड टायर जो है वो सेम मिलने वाला है, 120/80 का 18 इंचेस का टायर आपको मिलेगा दोनों बाइक के अंदर, लेकिन जो व्हील है वहाँ पे फ़र्क है, इसमें आपको ड्रम मिल रही है, इसमें आपको 200 डिस्क मिल रही है, स्टैंडर्ड के अंदर 270 mm की डिस्क मिलेगी आपको ABS के अंदर बाइब्री के कैलिपर के साथ। सस्पेंशन आपको सेम मिलेंगे, 6-way एडजस्टेबल ड्यूल सस्पेंशन क्रोम के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है। साइड बॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पे साइड बॉक्स भी आपको दोनों में सेम मिलेंगे, लेकिन डिज़ाइनिंग का फ़र्क है, जैसे यहाँ पे हैंड पेंटेड स्ट्राइप्स मिल रही हैं और 3D के अंदर यहाँ पे लोगो मिल रहे हैं, वहाँ पे फ्यूल टैंक वाले लोगो ही आपको देखने को मिलेंगे। बैटरी कवर दोनों में सेम मिलेगा आप देख सकते हो, साड़ी गार्ड आपको दोनों में सेम मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं है, लेडीज़ के पैर रखने के लिए दोनों में मिल रहा है। फुट पैक्स भी आपको दोनों में सेम मिलेंगे, चौड़े फुट पैक्स हैं आप देख सकते हो। और यहाँ पे एग्जॉस्ट की बात करूँ तो दोस्तों दोनों में एग्जॉस्ट भी आपको सेम ही मिलने वाला है, आप देख सकते हो क्रोम के अंदर एग्जॉस्ट जो है वो दोनों बाइक के अंदर आपको मिलेगा। दोस्तों ये तो थे बाइक के फीचर्स। अगर मैं दोस्तों इंजन की बात करूँ तो दोनों में आपको क्रोम का ही इंजन देखने को मिलेगा, 5-speed गियर बॉक्स के अंदर इंजन है, ऑल न्यू J1 सीरीज का इंजन है, 20.2 की BHP है, 27 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, EFI इंजन है और 200 एयर कूल इंजन आपको देखने को मिलेगा और वाइब्रेशन लेस इंजन है, इसमें वाइब्रेशन काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म कर दी है कंपनी ने और चेसिस आपको दोनों में सेम मिलेगी, ट्विन डाउन ट्यूब। दोस्तों बाकी स्टेबिलिटी वगैरह जो है दोनों में आपको सेम ही मिलने वाली है, लेकिन ब्रेकिंग के मामले में वो बाइक आ गई है, बिकॉज स्टैंडर्ड के अंदर आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है और उसकी जो है वो रेट्रो वाइब आती है दोस्तों, इसमें जो है वो मॉडर्न टच आपको देखने को मिलता है, जो बुलेट ES वगैरह आता था वो ऐसा ही आपको मिलिट्री देखने को मिलता है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे व्हील का आपको फ़र्क देखने को मिलता है और ब्रेक का फ़र्क देखने को मिलता है और यहाँ पे फ्यूल टैंक का फ़र्क आपको देखने को मिलता है और नेविगेशन का फ़र्क देखने को मिलता है या मिरर का फ़र्क देखने को मिलता है। तो कुल मिला के दोस्तों 26,000 रुपये का जो प्राइस डिफरेंस है वो इन चीज़ों की वजह से है, पेंट हो गया या आपको फ्यूल टैंक डिज़ाइन हो गया, तो वो आपने डिसाइड करना है। अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है कि आप 25,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो तो मुझे लगता है बुलेट 350 स्टैंडर्ड आपको लेना चाहिए, लेकिन अगर आपको सेम फील चाहिए, आपको इंजन वगैरह सेम चाहिए, प्राइस आपको कम चाहिए, तो मुझे लगता है बुलेट 350 मिलिट्री भी आप ले सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक दो फीचर्स का फ़र्क है। दोस्तों दोनों में सीट हाइट आपको 805 mm देखने को मिलती है, दोनों की जो
यहाँ पे माइलेज है वो 35 to 40 आपको ईजिली जो है वो मिल जाती है। और बहुत अच्छी फाइनेंस स्कीम्स जो हैं वो दोस्तों चल रही हैं, नियर बाई डीलरशिप से बात कर सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ पे लुधियाना की बात करूँ तो यहाँ पे अष्टावक्रा ऑटो में भी आप बात कर सकते हो, मैं नीचे इनका नंबर शेयर कर दूंगा आपको। और काफ़ी अच्छी ऑफर्स जो हैं वो चल रही हैं फाइनेंस के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, टेक केयर।